दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक स्टोरी पर नाम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों कई बार तो अपने मोबाइल फ़ोन में हम स्टोरी देख रहे होते हैं तो किसी ने फ़ोटो के ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, तो गैस अपने मोबाइल में भी स्टोरी के ऊपर फ़ोटो पर नाम कैसे लिख सकते हैं, या किसी भी रील वीडियो को पोस्ट करते हैं तो उस रील वीडियो पर नाम कैसे लिख सकते हैं, जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों आप इसी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन घंटी दिखाई दे रही उसको भी ऑल पर प्रेस कर देना। उसके बाद गाइस अपने मोबाइल में सबसे पहले आप वहाँ पर फेसबुक को ओपन कर लेना। जैसे मैं अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन करके आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर स्टोरी पे क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई भी रील या कोई भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा मैंने एक बाइक का फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस इस फ़ोटो का यानी इस बाइक का बर्थडे है तो मैं इस फ़ोटो के ऊपर हैप्पी बर्थडे कैसे लिख सकता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा टेक्स्ट का बटन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लिख लेना हैप्पी बर्थडे भाई साहब। जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी वर्ड को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगी, आप किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट करके अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगी, आपकी जो भी डिजाइन पसंद आती हैं उस डिजाइन को आपको टाइप कर लेना। जैसे मैं आपको इस प्रकार की डिजाइन पसंद आ रही थी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जो भी वर्ड को लिखते हैं उसको आप बुलाना चाहते हैं यानी अपनी स्टोरी पर बोलना चाहते हैं तो भी गाइस आपको ऑन कर लेना। जैसे इसको ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट हो जाएगा और अपने मोबाइल में स्टोरी होगी तो अजीब तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कलर सेक्शन पर क्लिक करके भी बहुत सारे कलर मिल जाएगी, आप किसी भी कलर को लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, बैकग्राउंड में आपको जो भी वाल पेपर चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं या आपको यहाँ पर डिजाइन के साथ में लगाना चाहते हैं तो भी गाइस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइस अपने मोबाइल में फेसबुक पर कोई भी स्टोरी या किसी भी स्टोरी पर नाम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करके स्टोरी को पोस्ट कर लेना। तो आप भी अपने मोबाइल में फेसबुक स्टोरी पर नाम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।